हेलो दोस्तों, देखिए आज हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, कितना अंधेरा है और मुझे रात को ब्लॉग्स बनाना पड़ रहा है आज आपके लिए। अब अभी आपको हम दिखाई भी नहीं दे रहे क्योंकि हम बहुत अंधेरे में चल रहे हैं। तो आ चुके हैं हमारे साथ वाले, अभी अंधेरे में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं रामलीला देखने जो कि हमारे गाँव में हो रही है। बहुत ही अच्छा आयोजन होता है हमारे गाँव में रामलीला का, पहले गढ़वाल में होती थी, अब ये हमारे गांव में चल रहा है कुछ सालों से। तो सारा किरदार निभाती हैं यहाँ पे लड़कियाँ, हमारे गांव की बेटियाँ। तो हम आपको भी आज अपने गांव की रामलीला दिखाएंगे। प्रभु आप बैठिए, मैं आपके लिए देर तक चक्के लाए हूँ। प्रभु बैठिए, आप बैठिए। ये लोग आप फल ग्रहण कीजिए। प्रभु लो, प्रभु आप भी आओ। सबरी भक्ति में जाति पात्र का कोई भेद नहीं होता। प्रभु लो आप भी खाओ। कितने मीठे बेर हैं, ऐसा स्वाद तो जी बहुत मीठे हैं। हे सबरी, मैं तुम्हारी बच्ची से प्रसन्न हुआ। अपने भाई के हरकतों से बेजार है, हनुमान जी मुझे भी इनका परिचय कराइए और इनका नाम और शुभ स्थान बताइए। ये दोनों भाई सीता राम राधे श्याम बन गया, हरि ओम दीन न को मन की जला भज गया। हरि ओम दीन न को मन की जला भज गया। पाली का भूल मेरे पास आओ और नामा भूल। सामने आ, सेल्फी कथा बताऊ तुझे, फिर तक बता। चला जा, चला जा, अभी तेरी हड्डियां लू मैं दवा। ओ बदतमीज, यहां से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मिटाऊंगा या खुद मिट जाऊंगा। हम लोग इसमें बहुत ज्यादा
नहीं ठीक है। राम कार्य में अपने प्राण पाग दिए थे, शोक है कि आप लोग थोड़े से ही कष्ट में घबरा गए हो। भाई आप कौन है और जटायु से कैसे और कहां परिचय हुआ? हे भक्त, इस कॉलोनी के बच्चों का, क्योंकि माँ जो होती है वो भविष्य का निर्माण करता होती है कि उसके बच्चे कैसे बनेंगे, क्योंकि माँ से ही हमारे बच्चे वो सीखते हैं, वो पहली अध्यापिका होती है। रामलीला हजारों वर्षों से होती आई है भारतवर्ष में। त्रेता युग में विष्णु भगवान के अवतार थे, वो रामचंद्र जी थे। वो किस तरीके से वनवास को गए कि अपने पिता की आज्ञा को मानने को बाध्य थे, उनको हम पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं। मर्यादा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने चरित्र का और एक मानवता को एक संदेश दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम केवल भगवान राम को कहा जाता है। दोस्तों रात के बज चुके हैं 12:30, अब हम जा रहे हैं घर। अंधेरी रात में नींद आ रही थी किंजल को, घर पहुंचेंगे हम 1:00। एक बजे घर पहुंचेंगे आज हम। 1:00 क्या अंधेरी रात है, खूब एक सीधी खंडा। रात के 1:00 हम क्या मस्ती करते हुए जा रहे सब के सब। चंदा मामा भी हमारे साथ चल रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग होता है रात के 1:00 खत्म। जय श्री राम, जय श्री राम।